हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी सोलो और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं अपने आर्ट वर्क कैसे पैक करता हूं, उसको पैक करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो आप कहां से अवेल करा सकते हो, और थर्ड में आपको बताऊंगा कि अपने आर्ट वर्क बनाने के बाद मैं उसको पार्सल किस सर्विस के थ्रू करता हूं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो को आगे बताऊंगा, तो ये वीडियो देखते रहिए और मेरी आवाज़ सुनते रहिए। मैंने आज ही इसे आर्ट वर्क को कम्प्लीट किया है और इसको मैं पैक करने वाला हूँ। और इस आर्ट वर्क की डायमेंशंस है 20x30 cm, जो कि A4 साइज़ ही है। तो A4 साइज़ को इसको पैक करने के लिए मैं जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मुझे, मैं ये न्यू वुड कार्डबोर्ड यूज़ करता हूँ। इसका एक फुल शीट आती है 4x8 feet की, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 rupees की पड़ जाएगी। अगर आप वो 200 rupees की एक शीट खरीदते हो और अपने हिसाब से उसमें से साइजेस वगैरह निकालते हो, तो आप लगभग A3 साइज़ के 24 pieces निकाल सकते हो, मतलब कि 30x40 cm के 24 pieces वहाँ से निकल जाते हैं। तो जो कि आपको, अगर मान लो ये एक कार्डबोर्ड आपको लगभग 8 या 9 rupees का पड़ेगा, तो बेटर है कि अगर आप अपना वो शीट खरीद लीजिए और उसको काट लीजिए, तो आपको ज़्यादा सस्ती पड़ेगी बजाय कि आप मार्केट से उसको परचेज़ करें। तो सिंपली मैं करता क्या हूँ, तो ये जो कार्डबोर्ड है, एक पूरा पीस है, इसके मैंने 24 pieces काटे हुए थे उसके उस फुल शीट से। तो एक शीट मैंने उठा ली, तो इसकी ये हाफ में आ रहा है, तो अभी हम इसको हाफ काटेंगे। हाफ काटने से पहले हम इसको एक बार पैक भी कर लेंगे, तो वो आपको दिखाता हूँ इसको पैक भी मैं किस चीज़ से करता हूँ। तो मेरे पास ये प्लास्टिक शीट है, तो ये प्लास्टिक शीट भी आप मार्केट से ले सकते हो, आपको पूरा इसका सेट मिल जाएगा। आई थिंक वेट के हिसाब से आते हैं, मुझे याद नहीं है मैंने किस हिसाब से ये परचेज़ की थी। तो आपको जस्ट सिंपली इसमें ये प्लेस करना होगा। आपको प्लास्टिक शीट का साइज़ वही परचेज़ करना चाहिए जो कि आपके लिए, आपके A4 साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ये जो मैंने परचेज़ किया था वो थोड़ा सा मुझे बड़ा मिल गया, 12x16 का, इससे छोटा उसके पास अवेलेबल नहीं था, तो मुझे यही परचेज़ करना पड़ा। और अगर आप A3 साइज़ के लिए भी चाहते हैं, तो आप इससे थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हो। तो आपको ये चीज़ करने के बाद आप पीछे से इसको ऐसे कवर कर दीजिए। इससे होता ये है कि अगर आपका, आपने इस कार्डबोर्ड में डाला भी हुआ है और इस कार्डबोर्ड थोड़ा सा गीला भी हो गया, तो आपका आर्टवर्क सेफ रहेगा और कार्डबोर्ड का जो सरफेस है और इसके ऊपर वो रब नहीं होगा, तो उस लिहाज से ये ठीक रहेगा। और क्लाइंट जब इसको ओपन भी करेगा, तो उसको ये ऐसे प्लास्टिक शीट में मिलेगा और वहाँ वो ऐसे ही ले जाके फ्रेम वाले शॉप के पास ले जाके, तो वहाँ पे जाके फ्रेम करवा सकता है और उस पे ऊपर हाथ लगने के चांसेस कम रहते हैं और आर्टवर्क भी सेफ रहता है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस कार्डबोर्ड को हमें हाफ़ करना होगा, और हाफ़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस यंत्र का। तो पहले हम देख लेंगे इसकी टोटल, इसकी विड्थ कितनी है। तो ये 407 mm का है और इसका हम हाफ निकालेंगे, 407 mm का हाफ हो गया 203.5, तो अप्रॉक्सीमेटली 203 हो गया कुछ। तो हम 203 पे यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। तो वैसे ही सेम हमें दूसरी साइड करना होगा, तो दूसरी साइड भी हम यही सेम चीज़ करेंगे, 203 पे एक पॉइंट लगा के, और ये हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए और इसका सेंटर निकल आया। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको कट करना है, और कट करने के लिए आप इस कटर का उपयोग भी कर सकते हो। आपको बस इसका पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट था एक और एक पॉइंट ये था, इससे पहले कि आप गलत काट दो। तो ये कटर आपको 20 rupees में मिल जाएगा मार्केट से, किसी भी स्टेशनरी शॉप से। तो जस्ट एक पहले हल्का सा कट लगाना है ऐसे, उसके बाद थोड़ा सा और जोर के, फिर थर्ड टाइम थोड़ा और जोर लगा के, एंड फिर फोर्थ टाइम एक फाइनल कट। तो इससे पूरा दिन कट होगा, लेकिन ये है कि कट हो गया ना, बस ये चीज़ करनी है आपको। तो इसके बाद क्या करना है, अगर इसके थोड़े से एजेस के बाहर की तरफ रह भी जाएं, तो आप सिंपली इस तरीके से इसको चिप ऑफ कर सकते हो। तो आपको इस आर्टवर्क को इसमें रखना होगा एंड इसके ऊपर सिंपली ये प्लेस कर दो, और आपका आर्टवर्क पूरी तरह से इसके अंदर फिट हो जाएगा।
अब इसको हम टेप बाउंड करेंगे। टेप बाउंड के लिए आप ये वाली टेप यूज़ कर सकते हो जो खाकी कलर की आती है, चाहे तो आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एजेस को करेंगे टेप बाउंड, सो दैट इसकी जो पोजीशन है वो एकदम सेट हो जाए। अब आप इसको चारों तरफ से आप इसको पैक कर सकते हो। तो ये लीजिए, हमारा पार्सल हो गया पैक। और अब हम इसके ऊपर अपना जो एड्रेस कार्ड होता है वो उसको लगा सकते हैं। हाँ, तो अभी आपने देखा कि मैं अपने आर्टिस्ट को कैसे पैक करता हूँ और इसको पैक करने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। मेनली तीन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक तो बेसिक इसका कार्डबोर्ड हो गया, जो जिसको हम न्यू वुड भी कहते हैं, एंड सेकंड इसके जो प्लास्टिक रैपिंग हुई जिसमें मैंने अपने आर्टवर्क को प्लेस किया था, एंड थर्ड थिंग होगी उसकी जो टेप बाउंडिंग हुई। जो टेप है वो आपको स्टेशनरी से मिल सकती है, और जो उसकी जो प्लास्टिक रैपिंग है जिसमें मैंने अपने आर्टवर्क को रखा था वो आप डिस्पोजेबल शॉप्स वगैरह से ले सकते हैं, जहाँ पर डिस्पोजेबल सामान वगैरह मिलता है। एंड जो थर्ड चीज़ है, जो ये न्यू वुड का कार्डबोर्ड है, ये आपको मिल सकता है प्लाईवुड वाली शॉप से, जहाँ पर प्लाईवुड का जो भी सामान वगैरह मिलते हैं, बोर्ड्स वगैरह मिलते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको सिर्फ ये कहना कि मुझे न्यू वुड का एक पीस चाहिए, 8x4 फीट का आपको फुल शीट मिलेगी, जो कि 200 रुपये की समथिंग होगी। और इन कार्डबोर्ड पीसेस के साथ अगर आप पार्सल करोगे, तो मैंने आज तक कम से कम भी मैंने 100 से 150 पोर्ट्रेट वगैरह भेजे होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने ना ही नोट किया है कि मैंने कितने अब तक भेजे हैं, बट मोर देन 150 मैंने भेजे हुए हैं। और उनमें से आज तक सिर्फ एक में प्रॉब्लम आई थी, और वो प्रॉब्लम क्यों आई थी, मैंने भेज दिया था स्पीड पोस्ट के थ्रू। वो लोग थोड़ा सा ना सामान वगैरह अच्छे से संभाल के रखते, तो उस कारण वो उसका थोड़ा सा डैमेज हो गया था उसका एक किनारा। लेकिन अगर आप फेडएक्स या फिर DTDC यूज़ करोगे सर्विस, तो का जो पार्सल है वो फास्टली, इजीली और सेफली डिलीवर हो जाता है। और सर्विसेज के बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज बेस्ट होती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। एंड वन मोर थिंग, इस कार्ड अभी तो मैंने जो सिर्फ एक इसके आर्टवर्क को मैंने इसमें प्लेस किया है, अगर आपको आर्टवर्क को फ्रेम करा के अगर भेजना है, तो आपको किस तरीके से इसकी पैकिंग वगैरह करनी है, वो भी इन फ्यूचर मैं उसकी एक और वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए अपने जो आर्टिस्ट फ्रेंड है, तो सो दैट उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए कैसे अपने आर्टवर्क को पैक करके आप भेज सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।